हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ अपनी डेली रूटीन। मुझे रात को 3 बजे भूख लग गई, तो मैंने अपने भाई से मंगवाया बर्गर। तो अल्लाह किसी दुश्मन को भी लेट नाइट भूख ना लगवाए, तो बहुत मुश्किल से मैंने बर्गर ला कर लिया। तो यहाँ मैंने डाली अपनी चटनी और उसके साथ बर्गर खाया, मुझे बहुत मज़ा आया। तो फिर मैं सो गई। सुबह जब मैं उठी तो फ्रिज में किसी ने काट के रखा हुआ था तरबूज, और ये मुझे लग रहा था कि ये मेरे लिए कटा पड़ा है, इसलिए मैंने उठाया और उसको फटाफट से खाना शुरू कर दिया। अब मुझे पड़ने वाली थी डांट, तो मैंने कहा फटाफट से खा लेती हूँ इससे पहले कि कोई मुझे आकर मेरा तरबूज कटा हुआ तुमने खा लिया। तो जब मैंने खाया तो मुझे रियलाइज्ड हुआ कि इसके अंदर तो है ही नहीं, मतलब कि ये फीका है, बिल्कुल मज़े का नहीं है। तो मैंने लगाया एक आइडिया, फिर मैं गई किचन में। किचन में जाके मैं लेके आई ब्लैक साल्ट और उसके ऊपर मैंने कर दिया श्रिंक करना शुरू कर दिया। और मैंने सुना था कि इसके ऊपर ब्लैक साल्ट डालने से तो अच्छा बन जाता है, इसका जो फीकापन होता है वो ख़त्म हो जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, चीनी डाल देते हैं और काफ़ी देर वेट करते रहते हैं कि चीनी मेल्ट होगी और फिर मज़े का लगे, मीठा हो जाए। लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया, और जब मैंने टेस्ट किया उसको ब्लैक साल्ट डाल के तो बहुत मज़े का हो गया था, और ऐसे लग रहे थे जैसे मैंने बाजार से लिया था। तो मुझे खाने में बहुत मज़ा आया। 2000 years later फिर मैंने अदा की नमाज पढ़ने के बाद मैं गई किचन में, और मेरा दिल करता है ट्रांसमिशन करने को तो मैंने कर दिया। फिर मैंने अपनी बेली हुई रोटी को डाला तवे पे। जब मैं डाल रही थी तो मेरा हल्का सा हाथ लग गया था और मुझे बहुत ज़्यादा गर्म फील हुआ। सो छोड़ें इस बात को। तो मैंने अपने लिए बनाई रोटी, जो रोटी मुझे सही भी बनानी आती नहीं है थोड़ी सी, लेकिन देख लें आप अभी बिना सही नहीं बनी, थोड़ी सी टेढ़ी मेरी बन गई, बट आ जाएगा मुझे इंशाल्लाह बनाना सही भी रोटी। यहाँ मैं अपनी रोटी को सिखा रही हूँ। आप मुझे थोड़ा सा आइडिया दें कि मैं किस तरह का कंटेंट लेके आऊँ, किस तरह के ब्लॉग्स लेके आऊँ। मुझे समझ नहीं आती मैं क्या बनाऊँ, तो मेरे ज़्यादातर ब्लॉग्स खाने वगैरह पर ही होते हैं, क्योंकि सफाई तो मुझे करनी होती नहीं है, काम वाली आगे कर देती है, तो सफाई तो दिखा नहीं सकती, बाहर भी मैं बहुत कम जाती हूँ। तो यहाँ पर मेरी हो गई रोटी रेडी। तो फिर मैंने फ्रिज में से निकाली भिंडी, इट्स माई मोस्ट फेवरेट डिश। ये भिंडी बहुत ज़्यादा ठंडी थी, फिर मैंने सोचा कि ओवन में घुमा लिया जाता है। सेट कर रही हूँ टाइमर। भिंडी गर्म हो चुकी थी तो मैंने इस टाइमर को बंद किया और मैंने अपनी भिंडी को निकाल लिया। यहाँ पे मैंने ली भिंडी और रोटी और मैंने अपनी चीज डिश आउट कर ली, और भिंडी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं आपको क्या बताऊँ। और मैंने यहाँ पे रुमाल में ले ली रोटी, और मुझसे पता नहीं क्यों नहीं खाई जाती मुझसे एक पूरी रोटी। भिंडी और रोटी तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन फिर भी नहीं मुझसे खाई गई, पता नहीं क्यों। तो फिर मैंने उठाए अपने बर्तन, उठा के मैं इसको किचन में रख के आई। फिर मैंने अदा की नमाज पढ़ने के बाद मैं जब गई छत पर, उसका मौसम बहुत कमाल का था, तो मैंने कुछ नाइस स्नैप्स सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर ली जाए। तो शाम को आ गए हमारे घर गेस्ट, तो फिर मैंने अपनी खुद भी मेहंदी लगाई थी, वो मैं आपके लोगों के साथ शेयर करना भूल गई। तो फिर मैंने अपनी लगाई कज़न को मेहंदी, उसके हाँ हैंड बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे हैं माशाल्लाह से, तो छोटे छोटे से हैंड है, मैंने उसके ऊपर लगाई मेहंदी, वो बहुत ज़्यादा खुश हुई। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।